नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। दोस्तों, हमारा देश किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, लेकिन आज भी कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो फेक न्यूज़ फैलाने में कोई देर नहीं करते। सोशल मीडिया पर एक और फेक न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है और वो ये कि उत्तर प्रदेश की जानी मानी महिला पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। प्रज्ञा मिश्रा की फ़ोटो के साथ एक संदेश भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो क्या संदेश है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। भाजपा की मोदी सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने वाले पत्रकार की हत्या और गुंडागर्दी का नंगा नाच। बीबी कुंभ के मेले में जुटी यह पत्रकार और कोविड 19 के नियमों का पालन न करने की सच्चाई लोगों के सामने लाने का काम कर रही थी, लेकिन इसकी हत्या भाजपा के गुंडों ने कर दी है। हत्यारों पर कार्रवाई, कृपया इसे करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, ये पोस्ट पंजाब के अमरनाथ कुमकलान नाम के यूज़र ने फेसबुक के ज़रिए शेयर की, जिसको बताते हुए देश के जाने माने पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी अपने फेसबुक पेज पर शेयर की है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी प्रज्ञा मिश्रा के बारे में इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई जा चुकी है। जिस वीडियो के आधार पर ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, वो वीडियो दिल्ली की रोहिणी की बताई जा रही है। दिल्ली की ये खौफनाक हत्याकांड की घटना सीसीटीवी में कैद हुई और बहुत तेज़ी से वायरल कर दी गई, जिसके बाद किसी विपरीत बुद्धि के व्यक्ति ने उस वीडियो की फ़ोटो निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। साथ ही उसके साथ एक मैसेज भी वायरल किया गया। वो मैसेज क्या है दोस्तों, मैं वो मैसेज भी आपको पढ़कर बताता हूँ। प्रज्ञा मिश्रा की दिनदहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए कि वो इस कोरोना काल में उत्तराखंड के कुंभ मेले के बारे में लगातार बात कर रही थी। ये फोटो और मैसेज वायरल होने के बाद जब प्रज्ञा मिश्रा तक पहुंचा, तो उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से फेसबुक लाइव आकर और यूट्यूब पर एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करके लोगों के बीच फैल रही इस भ्रामक खबर का खंडन किया और बताया कि वह इस कोरोना काल में फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं और सही सलामत हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। सोशल मीडिया पर आपने बहुत कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, कई सारे वीडियोस देखे होंगे, तो उसी के बारे में कुछ बात करने के लिए आई हूँ। मैं लखनऊ से प्यार करने वाली उत्तर प्रदेश की पत्रकार हूँ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, जब सबकी आत्माएं मर चुकी हैं, मैं तब भी जीवित हूँ। सोशल मीडिया पर आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे मर्डर के लाखों करोड़ों फॉरवर्डेड मैसेजेस चल रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पर मुझसे प्यार करने वाले और सच्ची बातों के लिए मुझे फॉलो करने वाले मेरे साथी मेरी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया के मेरे साथियों को मेरी चिंता है, उनके हजारों मैसेजेस पड़े पड़े हैं, मैं सबके जवाब नहीं दे पाई हूँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको सलामती के बारे में अपनी बता रही हूँ। दोस्तों, मैं कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से इस वक्त पर घर पर हूँ, पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ और आपको बता रही हूँ कि मेरा मर्डर नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रज्ञा मिश्रा उल्टा चश्मा और प्रज्ञा का पन्ना जैसे दो यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जबकि वह एक रीजनल चैनल में सीनियर रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं, जिसके लिए उन्होंने कटिंग चाय जैसे न्यूज़ प्रोग्राम करके लोगों के बीच उनके दिलों में काफ़ी अपनी जगह बनाई। प्रज्ञा मिश्रा अपनी बेबाक पत्रकारिता और तीखे सवालों के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन दोस्तों, टाइम 24 न्यूज़ भी आपसे जाते जाते ये अपील करता है कि बिना तथ्यों के लोग कोई मैसेज, कोई फ़ोटो या कोई वीडियो शेयर ना करें और किसी भी संदिग्ध पोस्ट का फैक्ट जानने के लिए आप उसे हमारे चैनल की आईडी पर भेज सकते हैं। हमारे चैनल की आईडी आपको नीचे स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि इस आपातकाल की स्थिति में, जबकि देश एक आपातकाल जैसी स्थिति से गुजर रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस बीच लोग ऐसी बेतुकी खबरें वायरल कर देते हैं और शेयर कर देते हैं और लोग भी बिना जाने, बिना सोचे समझे, बिना उसकी पुष्टि किए उस मैसेज को, उस खबर को आगे शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे समाज में गलत मैसेज फैलता है और लोगों के बीच जो दूरियाँ हैं वो लगातार बढ़ जाती हैं,
क्योंकि दोस्तों जो ये वीडियो अब प्रज्ञा मिश्रा की मर्डर के बारे में बताया गया था, इससे पहले भी ये वीडियो एक धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के लिए भी इस वीडियो का इस्तेमाल किया गया था, और इस वीडियो को भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए पहले उस नियत से भी शेयर किया गया था। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।